मेसोजोइक एरा, जिसको एज ऑफ रेप्टाइल्स के नाम से भी जाना जाता है। आप ये मत समझिएगा कि ना मेसोजोइक एरा में सिर्फ और सिर्फ डायनासोर रहते थे, बल्कि कुछ ऐसे क्रीचर रहते थे जो कि डायनासोर को भी खा जाते थे। उन्हीं में ही टॉप पे नाम आता है टाइटेनोबोआ और सार्कोसुकस का। दोनों ही दलदली या फिर पानी वाले इलाके में रहते थे, बाकी दोनों एक टाइम और एक जगह पे नहीं रहते थे। इन दोनों की कभी भी लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन अगर क्या हो, इनकी लड़ाई हो तो कौन जीतेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम इनकी साइज़ एंड वेट की बात करते हैं। तो दोनों का ही साइज़ लगभग बस के बराबर आता था, बाकी टाइटेनोबोआ ज़्यादा लंबा आता था सार्कोसुकस के मुकाबले, और ज़्यादा वजनदार भी था टाइटेनोबोआ, इसलिए साइज़ एंड वेट में ज़्यादा आगे टाइटेनोबोआ था। अब हम इन दोनों की इंटेलिजेंस की बात करते हैं कि कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट था। शायद से सार्कोसुकस ज़्यादा इंटेलिजेंट हुआ करता था टाइटेनोबोआ से, क्योंकि सार्कोसुकस ज़्यादा स्ट्रैटेजी बना के शिकार करता था, वही टाइटेनोबोआ को ज़्यादा स्ट्रैटेजी नहीं बनानी पड़ती थी शिकार करने के लिए। तो इंटेलिजेंट में ज़्यादा आगे सार्कोसुकस था। तो अब हम इन दोनों की स्पीड की बात करते हैं। तो स्पीड में दोनों लगभग बराबर थे, बाकी सार्कोसुकस थोड़ा सा ज़्यादा तेज था। शायद से टाइटेनोबोआ का वज़न ज़्यादा था तो उसकी मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा स्लो होती होगी सार्कोसुकस के मुकाबले। तो अब हम इनकी शिकार की बात करते हैं। तो सार्कोसुकस ज़्यादातर बड़े सारे डायनासोर्स का शिकार करना पसंद करता था, जैसे कि टाइटेनोसॉर्स, और कभी कभी स्पाइनासोर्स का भी शिकार कर लेता था सार्कोसुकस। और वहीं टाइटेनोबोआ ज़्यादातर मिड साइज कार्निवोर डायनासोर्स का शिकार करता था, जिस लाइक डेस्पिटासोरस, हेड्रोसोरस एंड अदर्स। अब हम इनके डिसएडवांटेज की बात करते हैं। टाइटेनोबोआ का डिसएडवांटेज था उसकी मूवमेंट, क्योंकि टाइटेनोबोआ का वजन ज़्यादा है इसलिए उसकी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा स्लो होगी। सार्कोसुकस का डिसएडवांटेज होगा उसका छोटा साइज, जो कि टाइटेनोबोआ के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है अपने। तो ओवरऑल देखा जाए तो टाइटेनोबोआ का ही ज़्यादा चांसेस है जीतने के, क्योंकि आज भी टाइटेनोबोआ जैसे उसके रिलेटिव एनाकोंडा और मगरमच्छ की आजकल लड़ाई होती रहती है, जिसके अंदर ज़्यादातर चांस रहता है कि एनाकोंडा ही जीते। इसलिए 70% चांस है कि टाइटेनोबोआ जीतेगा और 30% चांस है कि सार्कोसुकस जीतेगा।